दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीपी प्लस के E23 2 मेगापिक्सल फुल एचडी कैमरे के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इस कैमरे को सीपी प्लस के इस कैमरे को मोबाइल पे कैसे कनेक्ट करें और कैसे इसे ऑनलाइन आप देखेंगे और कैसे इसका प्लेबैक चेक करेंगे। और दूसरा मैं बताऊंगा कि इस कैमरे को एक से ज़्यादा मोबाइल्स पे कैसे ऑनलाइन देखेंगे। मान के चलो 10 मोबाइल पे आपको इस कैमरे को, सिंगल कैमरे को 10 मोबाइल पे अलग अलग जगहों में देखना है तो वो कैसे देखेंगे। एक से ज़्यादा मोबाइल पे आप इस जो सीपी प्लस का कैमरा है इसे कैसे कनेक्ट करेंगे एक से ज़्यादा मोबाइल पे। और तीसरा मैं बताऊंगा कि इसे रीसेट कैसे करेंगे, कहीं इस पर कुछ प्रॉब्लम आ गया पासवर्ड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसे रीसेट करें कैसे करेंगे, फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्लस E23 2 मेगापिक्सल फुल एचडी कैमरे के बारे में दोस्तों आप ही लोग में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर घर के लिए कोई एक ऐसा कैमरे के बारे में बताइए जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो और सिंपल से वाईफाई से हमारे मोबाइल पे ऑनलाइन हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ सीपी प्लस का होम ऑन योर फोन। दोस्तों घर आ जाएगा आपके फ़ोन में और आपका घर हो जाएगा सिक्योर इस कैमरे के साथ में, सीपी प्लस E23 2 मेगापिक्सल फुल एचडी कैमरे के साथ में। दोस्तों अब DVR का टेंशन भूल जाओ और कहीं का आपको एक कैमरा लगाना है तो ये कैमरे को आप अपने घर पे लगा सकते हो। और कैसे लगाएंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उससे भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे कैमरे की मैं वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट समय वेस्ट ना करते हुए ओपन करते हैं। जी दोस्तों ये है निकल चुका है आपका रोबोटिक कैमरा सीपी प्लस का, ये प्यारा सा कैमरा दिया हुआ है। दोस्तों इसको हम पीछे कर लेते हैं और कैमरे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और सबसे पहले कैमरे को भी बाजू कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि एसेसरीज क्या क्या दिया हुआ है। इसके साथ मिला है कुछ पावर चार्जर, ये आपका इसको चार्ज करने के लिए केबल जो कि 2-3 मीटर का दिया हुआ है और ये कुछ वॉल माउंट आपको मिल जाते हैं। ये कैमरे के साथ इतना कुछ हमें मिलता है दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है गाइड, क्विक ऑपरेशन गाइड है, इसको अपन थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस व्हाट इन द बॉक्स, बॉक्स में आपको कैमरा मिलेगा, वायर मिल जाएगा, USB एडाप्टर मिलेगा और क्विक गाइड मिलेगा, यही वाला गाइड, ये सब मिल चुका है अपने को, वायर वायर सब जो भी दिखाया है। गेट रेडी दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली डाउनलोड द इजी कैम प्लस ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर और गूगल प्ले, यानी वो एप्पल का कहीं आपके पास फ़ोन है तो भी आपको इजी कैम प्लस ही को डाउनलोड करना है, या तो एंड्रॉयड के लिए भी आपको इजी कैम प्लस ही को डाउनलोड करना है। मैं आपको मोबाइल में डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए उसके बाद हर एक प्रोसेस आपके सामने में है। स्टेप वन सेलेक्ट कंट्री करना है, देन एंटर द वेरिफिकेशन कोड, क्रिएट अ पासवर्ड, हाउ टू रिसेट माई कैमरा, हाउ डू आई रिसेट, यूज द रिसेट पिन, ये रिसेट पिन मिल गया आपको इसके साथ। स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये कैमरे को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इधर भी लेफ्ट भी घूमता है, राइट भी घूमता है, ऊपर भी नीचे भी घूमता है ना। इसका व्यू कैसा होता है वो भी हम देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। देखो लेंस में एक स्टिकर लगा, इसको भी हम निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों ये है कुछ ये सीरियल, यहाँ पे इस मॉडल नंबर को जैसे ही हम यहाँ पे निकालते हैं बीच में लगा के दे दिया है मॉडल नंबर, इसको हम निकाल लेते हैं, है ना।
क्योंकि यहीं पे हमारा जो ये वॉल माउंट दिया हुआ है यहीं पे ये फिट होगा। यहाँ पे भी एक होल होगा, इसको भी हम निकाल लेते, पूरा स्टिकर चिपका के दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको भी निकाल के देखिए दोस्तों, ये वॉल माउंट को ऐसा करके ये कुछ ऐसा फिट हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसा निकालेंगे, फिर ये निकल जाएगा। तो ऐसा ये फिट हो जाएगा वॉल में, ये फिट होके ऐसा ये लग जाएगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। ये वॉल माउंट, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। बाकी दूसरा मेरे पास एक वॉल माउंट है, यहाँ पे स्क्रू है, देखिए दोस्तों, स्क्रू पे भी हम लगा सकते। स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पे माइक भी है, स्पीकर भी है, ठीक है। यानी आप इस पर बात भी कर सकते हैं, आपका बात अगला सुन भी सकता है, ठीक है। माइक और स्पीकर दोनों है, टू वे कम्युनिकेशन है इस पर, है ना। तो कम्प्लीटली आपके घर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त कैमरा है दोस्तों ये। मैंने इसके बीच पहले MI का भी वीडियो बनाया था, सेम कैमरा MI में भी है अवेलेबल। बाकी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि CP+ का भी इस कैमरे, इस टाइप के कैमरे का रिव्यू करिए, तो मैं आज इसलिए CP+ का भी इस कैमरे को मंगाया हूँ अमेजन से और इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट इसको चालू कर लेते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे चालू होता है ये। सबसे पहले हमारे पास आ गया है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में चले जाते हैं। इजी कैम, तो जैसा ये बोल रहा है वैसा हम करते हैं इजी कैम। देखिए दोस्तों इजी कैम प्लस आ गया है, इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है, ये ओपन कर लेता हूँ मैं। देखो तो दोस्तों साइन अप लिखा हुआ दिखते, साइन अप कर लेते, एग्री कर लेते हैं। अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं वर्ल्ड। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, ईमेल आईडी और फ़ोन। मैं फ़ोन में चले तो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं अपना, देन गेट वेरिफिकेशन कोड करता हूँ। देखिए दोस्तों वेरिफिकेशन कोड आ गया है 84 79 26, 84 79 26। देखिए वेरिफिकेशन कोड हो गया, अब इसका पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ 2 3 4 5 6, देन CP कर देते हैं, डन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो हुआ वेरिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैं प्लस में साइन करता हूँ, देखिए इसमें ऑप्शन आ गया है CP E21, CP E22, E23। दोस्तों ये है हमारा CP E23, तो हमें यहाँ पे जाना है E23। बहुत प्रकार के मॉडल है दोस्तों यहाँ पे, मैं अमेजन में बहुत सबका लिंक दे दूंगा, जो आपको खरीदना है खरीद लेना। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, चलिए दोस्तों फटाफट से पावर दे देते कैमरे को। मैं अपने लैपटॉप से देता हूँ डायरेक्ट, डेटा केबल लगा के, डेटा केबल का ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे ये लगाया। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद कैसे इसको अपने मोबाइल पे चेक करेंगे, देखते वीडियो देखते रहिए दोस्तों। ये ब्लू होना चाहिए दोस्तों, वो ब्लू में ब्लिंकिंग होना चाहिए, उसके बाद ही इस ऑप्शन, देखिए ब्लिंक हो रहा है। देन एक ऑडियो, देखिए वाईफाई कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, है ना, आसपास, तो वाईफाई कनेक्शन तो है। नेक्स्ट करता हूँ, अलाउ करता हूँ। अच्छा हमारे, हमारा जो वाईफाई है उसका पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। दोस्तों आपके आपके आसपास में जो वाईफाई है जिसके थ्रू इसको ऑनलाइन करना है, उस वाईफाई का पासवर्ड डालना है, आपके वाईफाई का पासवर्ड नहीं डालना है मोबाइल का, ठीक है। आपको कौन से वाईफाई के थ्रू इसको ऑनलाइन करना है, जियो का डोंगल है या कोई भी राउटर है, या आईबॉल का है, या BSNL का है, एयरटेल का, जो वाईफाई आपके घर में है जिसके थ्रू आपको इसको ऑनलाइन करना है, आपको मोबाइल हॉटस्पॉट से नहीं,
मोबाइल हॉटस्पॉट से करेंगे तो मोबाइल आपके साथ रहेगा तो ये ऑनलाइन नहीं रहेगा। बट जो वाईफाई से इसको ऑनलाइन, मेरे को आईबॉल बैटन से, मेरे को आईबॉल का मेरे पास राउटर है उसके वाईफाई से मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, स्कैन विद द कैमरा। जैसे ही इसको मैं कंटिन्यू करूँगा तो कहीं एक्टिवेट हो जाएगा ये कैमरा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा मेरे को एक QR आएगा जिसको मेरे को इस कैमरे में दिखाना है कुछ इस तरह से। चलिए देखते हैं, ये देखो ये QR आ चुका है। अब मैं इसको इस कैमरे में दिखाता हूँ। वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट। इसको सामने, वाईफाई कनेक्शन सक्सेस हो चुका है दोस्तों, ये आपका चालू हो जाएगा। अब कैमरा चेक करते हैं इसको, आई हेड अ प्रॉम्प्ट। इसको थोड़ा सा कैम इसके पास ही रखना है दोस्तों, कैमरे के पास ही। देखो यार डिवाइस डन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए आपका कैमरा चालू हो चुका है, ये आपका ये कुछ मोड आया हुआ है ना। देखिए दोस्तों, आप सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, है ना, जूम कर सकते हैं जहाँ जूम करना है आपको। देखिए घुमा के देख सकते हैं, जहाँ जूम करना है वहाँ जूम भी कर सकते हैं। सिंपली है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए है ना, अब मैं इसको इस टाइप के ऑप्शन में लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आवाज़ भी है, जैसे मैं इसको ऑडियो ऑन करता हूँ, हेलो अलाउ करते इसको, हेलो हेलो। देखिए दोस्तों आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप बाहर रहेंगे तो बहुत अच्छे से आवाज़ आएगा इसमें, हेलो। ठीक है, देन मैं इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से प्लेबैक आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे प्लेबैक का ऑप्शन है। अभी SD कार्ड लगा नहीं करके, नहीं तो प्लेबैक यहाँ से प्लेबैक देख सकते हैं। डायरेक्शन देखते दोस्तों, देखिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्शन को। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप थोड़ा सा भी कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों कहीं इस कैमरे को किसी दूसरे मोबाइल में कहीं कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, मैं दूसरे मोबाइल में इजी कैम प्लस डाउनलोड कर किया हूँ और देन ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओपन किया हूँ फिर से इसमें साइन अप का ऑप्शन आया और साइन इन का ऑप्शन है, तो इस बार हमें साइन अप नहीं करना है, फर्स्ट टाइम हमें साइन अप करना है, दूसरे टाइम में साइन इन करना है दूसरे मोबाइल में करने के लिए। और जिस मोबाइल नंबर से हम उस डिवाइस को लॉग इन किए थे उस नंबर को यहां पे डालना है। यहां पे डाल दिए, देन पासवर्ड जो हम सेट किए थे कैमरे का 12345CP, लॉगिन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लॉगिन हो गया और अपने आप यहां पे डिवाइस आ गया, कोई डिवाइस ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे डिवाइस आ गया है, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा देखिए दोस्तों ये कैमरा हो गया स्टार्ट। देखिए दोस्तों ये कैमरा हो गया स्टार्ट और ये कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, देखिए वहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा देखिए अपने आप रोटेट हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल, इसको रोटेट करते ऐसा। देखिए दोस्तों ये रोटेट हो रहा है,
तो इस ऐसे अपन दूसरे के मोबाइल में इस कैमरे को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। कितने भी मोबाइल में अपन इसको ऐड कर सकते हैं, 100 200 मोबाइल में, जितने मोबाइल में आपको दिखाना है उसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि दूसरे मोबाइल में हम कैसे देखें। तो दूसरे मोबाइल में उसी नंबर से देखना है, और उसी नंबर पे जो पासवर्ड हम डालते हैं दोस्तों कैमरे का, वो पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। साइन अप नहीं करना है दोस्तों, साइन इन करना है। अपन साइन अप नहीं करना है, साइन इन करना है दूसरे के मोबाइल में। और अपने फर्स्ट टाइम में अपने को साइन अप करना है, और बाकी हर एक समय हमें साइन इन करके आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बाकी और जैसा भी आपको समझ में आया देख लीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रीसेट का एक होल है ना, और ये आपका रीसेट पिन है यहाँ पे। ये रीसेट पिन को जैसे ही मैं होल में डाल के, यहाँ पे छोटा बटन है, इसको जैसे दबाते हैं, देखिए दबा के रखा हूँ, देखिए रीसेट सक्सेस एंड कैमरा रिबूट नाउ, है ना, रिबूट रिबूट होने वाला है आपका कैमरा, रिबूट हो भी रहा है। देखिए उतने में अपन यहाँ पे चेक करते हैं, कैमरा ऑफलाइन दिखा रहे हैं, यानी फिर से ये कैमरा रिसेट हो चुका है दोस्तों। फिर से किसी भी स्टार्टिंग, देखिए दोस्तों कैमरा स्टार्ट होने वाला है, फिर से स्टार्ट, देखिए ये ब्लू ब्लिंकिंग हुआ है, इसका मतलब फिर से वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है। तो देखिए अब इसको कैसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। इसको क्लिक करते हैं, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, डिवाइस ऑफलाइन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, डिवाइस नेम इन्फॉर्मेशन, रिमूव डिवाइस कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, रिमूव कर दिए दोस्तों। फिर से इसको ऐड कर लेते हैं, CPE23 है अपना, देन नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, वाईफाई का पासवर्ड, जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड जिससे इसको कनेक्ट करना है आपके इस कैमरे को, वो पासवर्ड डाल लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी आएगा इसमें, देन इसको कंटिन्यू जैसे करेंगे, इस टाइप का इसको दिखाना पड़ता है कैमरे को। देखो आपका वाईफाई कनेक्ट हो रहा है ना, आपका वाईफाई इससे कनेक्ट हो रहा है। देखिए फिर से सक्सेसफुल हो गया है वाईफाई कनेक्शन। आई एट प्रोम कैमरे के पास ही रखना है आपके मोबाइल को, 10 से 12 सेकंड में ये आपका कनेक्टिविटी डन हो जाने वाली है। ये देखिए फटाफट फिर सक्सेसफुल हो गया। देखिए दोस्तों फिर से आपका ये कैमरा शायद चालू हो गया है, ये देखिए चालू हो गया दोस्तों ये कैमरा, है ना, फिर से आपका कैमरा चालू हो गया है, ये देखिए फिर से ये स्टार्ट हो चुका है। ये अब जैसे मैं इसको जूम करके देखता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जूम करके भी देख सकते हैं अपन। देन मेरे को ये नीचे लाना है, ये नीचे भी आ गया। देन इस कार को देखना है मेरे को, तो ये कार भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रिसेट करने का भी ऑप्शन बता चुका हूँ कि कैसे इसको रिसेट करेंगे, और दूसरे मोबाइल में भी इसको देखने का प्रोसेस यही है दोस्तों। इसको स्कैन करना है, यहाँ पे देखते हैं इसके साथ क्या एडिट का ऑप्शन है। ये देखिए दूसरे मोबाइल में भी इसी टाइप से इसको कनेक्ट करेंगे, कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है दोस्तों दूसरे मोबाइल में, तो रिसेट करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताना दोस्तों, और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। आगे मैं आने वाले समय में एक से एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ सीपी प्लस का जो स्मार्ट वॉच आया है उसके बारे में बताने के लिए। देखिए स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ,
इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं कनेक्ट बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो दोस्तों अच्छे से अच्छे कमेंट करिए मेरे को, इस वीडियो को आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते इस स्मार्ट वॉच का। कहीं आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके ट्रैक करने के लिए GPS इसमें लगा हुआ है दोस्तों, कहाँ पर आपका बच्चा अभी चल रहा है, कहाँ पे है आपका बच्चा। तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है ये CP+ का, तो इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये सब कैमरे के बारे में पता चले, सिक्योरिटीज़ के बारे में पता चले। तो दोस्तों बट अपना कमेंट लिखना मत भूलिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।